बड़ा बना, कमरा तो नहीं, खैर इसमें बच्चों की अलमारी वगैरह और छोटी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे से हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे। तो आज जो भी मेरे पूरे दिन की रूटीन होगी उसके करीब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मिलते हैं बाद में। तो बच्चे स्कूल जा चुके हुए थे, बच्चों के जाने के बाद जो भी एक रूटीन के काम होते हैं, मुझे मशीन लगानी थी, मैंने मशीन का काम निपटाया और मैं अकेली थी, साथ देने वाला कोई भी नहीं था। तो ज़्यादा जब बच्चियाँ होती हैं तो फिर बच्चियाँ मेरी हेल्प करवा देती हैं, तो इस टाइम मैं अकेली ही लगी हुई थी और यहाँ पर मशीन का मैंने एंड कर दिया था और मशीन धो के साफ़ करके पानी निकाल के और मैं वाशरूम वगैरह ना साफ़ करी थी। तो यहाँ पर मेरा मशीन का काम ख़त्म हो चुका था और मशीन का काम मैं समेट के और जो है ना अब मैं फारिग थी मैं। तो अब इसके बाद जो था कि मुझे ये काम समेटना था, वाशरूम वगैरह भी, ज़ाहिर के जब मशीन लगती है तो फिर उसके बाद ना वाशरूम वगैरह भी सारा साफ़ करना होता है। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, तो किचन में मेरे बर्तन थे, सुबह के ही बर्तन थे, फिर सारे मैंने वो साफ़ किए और बर्तनों को साफ़ करने के बाद जो था कि कप वगैरह थे, प्लेट्स थी, ये सुबह हमारे नाश्ते की बर्तन थे, क्योंकि रात जो रात के बर्तन होते हैं वो मैं रात ही साफ़ कर लेती हूँ, अगर पानी हो तो तब मेरे बर्तन जो है ना वो सुबह को धोने पड़ते हैं। तो ये जो है ना ये मेरे मियाँ का हाथ है, वो नलका बंद कर रहे थे, कह रहे थे तुम पानी ज़ाया कर रही हो और नलका जो है ना नलके से ना पानी बह रहा है, तो फिर इस तरह उन्होंने ना नलका बंद किया था। तो और ये वीडियो भी मेरे मियाँ ही बना रहे थे। तो यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, बर्तनों की सफाई के बाद जो भी दूसरे काम होंगे वो फिर मैं समेटूंगी। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं थी, वीडियो सिर्फ मेरी इतनी थी। तो आप भी अपनी जो है ना रूटीन शेयर किया करें मेरे साथ कि आपके डेली रूटीन क्या होती है। तो बस जो माएँ होती हैं ना उनकी बस यही चलता रहता है, काम काम और बस सैटरडे संडे वाले दिन ही मुझे ज़रा आराम मिलता है। उस दिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी बच्चियों की भी यही कोशिश होती है कि ये जो काम है ना वो जो है ना मामा काम करें और हम जो है ना मामा की हेल्प करवा दें। तो ये दो दिन मुझे काफ़ी आसानी जाती है और ये दिन जुम्मे का था तो आगे दो दिन बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए मैंने बच्चों को जो है ना ये मशीन वाला काम जो है मैंने निपटा लिया था। और फिर ये भी लालच होता है कि चलो पानी आ रहा है तो जो पानी वाले काम है ना वो बंदा पहले पहले। ये देखिए हमारे कपड़े उड़े और हवा चल रही है काफ़ी, ये देखिए कपड़े हमारे गिर गए थे। तो मम्मा ने रात को मशीन लगाई थी और हमारा रात को पानी भी चला गया था। अर्नुल होता जो है यहाँ पे अपने फोन से कार्टून देख रही है, ये देखिए जरा मैं फुल मगन अपने कार्टून देखने में। और साथ साथ क्या कर रही हो, चीज भी खा रही हो साथ? हाँ, हाँ, चीज भी खा रही। क्या मंगवाया दिखाओ, पापड़ मंगवाए, फोन से दिखाओ, ये देखो ये ऐसी चीजें जो है ना ये मंगवा के खाती हूँ, चटखारेदार, और जो है ना ये बच्चों के लिए ऐसी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मना करा करें बच्चियों को ऐसी चीज़ें खाने से। ये अब इन्होंने मंगवा दी हैं, मुझे पता नहीं चला ना मैं इनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही जो है ना खाने देती, तो अब ये मैं इसको खाने नहीं दूंगी तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, यहाँ प्याज मैंने रख दिया है और आज बनेंगे हमारे घर में बैंगन, और मैंने सोचा कि बैंगनों के साथ ना मैं चावल बना लूँ, तो यहाँ पे मैं चावल निकालने लगी हूँ। तो किस किस को बैंगन और चावल पसंद है? मुझे। रोटी भी अच्छी लगती है लेकिन चावल जो है ना ज्यादा अच्छे लगते हैं। Thank you.
अब चावल चुन रही हूँ। चावल चुनने के बाद ना फिर इनको भिगो दूँगी, साथ आलू बैंगन का साल बनाती जाऊँगी, साथ चावल बनाती जाऊँगी। चावल ये तकरीबन साफ ही होते हैं, बड़े अच्छे ये चावल पकते हैं, चावल तकरीबन साफ ही हैं, इनमें कोई गंद छंद नहीं है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर चावल वॉश कर रही हूँ, चावल वॉश करके फिर रख दूँगी। ये चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे, तो इसमें ना वो थोड़ा थोड़ा सा ना वो लग गया था, वो क्या कहते हैं टोरा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो ये थे ना ये चावल ना ऐसे 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 ये चावल फेस रहा है ये देखिए, तो इसलिए ना काफ़ी पुराने पड़े हुए थे। पुराना चावल वैसे अच्छा होता है, इसमें फूलता बहुत है पुराना चावल, और बड़ा अच्छा बनता है। देगो देगो वगैरह के लिए ना लोग पुराना चावल इस्तेमाल करते हैं। एकदम तेज हवा चलना शुरू हो गई है, गुर 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 को ये कर रही हो? हम्म, ये कर रही हो? चावल खा रही हूँ। नहीं खाते कच्चे चावल बेटे, क्यों पेट में पथरी बन जाती है? नहीं मैं कच्चे मसाले नहीं खाती, मैं ये ना भिगे हुए खाती हूँ। अच्छा नहीं करो, अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो ये देखिए इस टाइम मैं बच्चों के कमरे में आई हुई हूँ, क्योंकि आज जुमा था और सैटरडे संडे की इनको छुट्टी होनी है। और ये देखें इन्होंने कैसे बैग फेंके हुए हैं, ये सारी चीज़ें इनकी बुक्स, और ये देखें इनके पूरे कमरे का ना हशर नशर देखें, पूरा कमरा इन्होंने ऐसे किया हुआ है। छोटा सा एक ये स्टोर था, इसको हमने बच्चों का कमरा बना, कमरा तो नहीं खैर, इसमें बच्चों की अलमारी वगैरह और छोटी मोटी बुक्स का काउंटर वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने रखी होती हैं, तो इन्होंने पूरे कमरे की हालत ख़राब की हुई है। तो अभी मैं इनसे ना कह के ना सही करवाती हूँ। आयशा इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये देखा बेटा कमरे की हालत क्या की हुई आपने, हैं? तो बेटा ये आपने ना, आपने और बहन बड़ी छोटी बहन ने मिलके ना, आप दोनों ने ना ये सारी कमरे की हालत ना सेट करनी है, ठीक है बेटे? बहुत बुरा लग रहा है, और अब दो दिन छुट्टी है, तो आपने ना ये काम लाजमी करना है, ठीक है? ठीक है, ये समेट लेना अपना सारा काम, ठीक है? इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, खा लें आप भी, तो बहुत मज़े किए। मेरी फेवरेट बेबी बाबा के लिए खाना डाल रही हूँ, उनको काफी भूख लगी हुई है, तो मैं कहा उनको ना डाल के ना पहले दे दो।
चले आ जाए खाना खाए आके, आप तो सारे भीगे हैं, सारे भीगे हैं। नहीं नहीं इधर ही अंदर चले, चीटे पड़े ये देखिए एकदम से बारिश शुरू हो गई है और बड़ा इतना मौसम हो गया है, बड़े मज़े की बारिश हो रही है और इंजॉय हो रहा है, साथ खाना और साथ बारिश का इंजॉय कर रहे हैं और ये साथ यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, ये बाहर बैठी बैठ के ना खाना खा रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के नज़ारे हैं कि कभी धूप होती है और कभी बादल और कभी बारिश है, ये सब इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला ये सारे निज़ाम को चला रहे हैं और इंसान जो है ना बस देखता रह जाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के क्या नज़ारे हैं। तो ये देखें शदीद जो है ना तेज़ बारिश हो रही है, तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये इस बारिश को रहमत की बारिश बना दे ना कि जहमत की, तो हमने सबके लिए क्योंकि देहातों में काफ़ी सैलाब आ चुका हुआ है और कराची वाली साइड और सिंध वाली साइड की ना बहुत बुरे हालात हैं और पंजाब के भी अक्सर जो गांव है ना वो पानी की जद में आ चुके हुए हैं, उनमें सैलाब आ चुका हुआ है, सब्जियां तबाह हो चुकी हुई हैं, फसलें तबाह हो चुकी हुई हैं, तो इसलिए अब हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अब ये बरसात का जो मौसम है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बरसात का जो मौसम है ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो हमें सब हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सोने ये जो है ना बारिशें बंद हो जाए और मौसम जो है ना नॉर्मल हो जाए, कि बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाए, तो सब आमीन बोलिएगा। ये देखो शदीद बारिश है और हम कमरे में बैठकर खाने को एंजॉय कर रहे हैं, आलू और बैंगन जिसने खाना खाना है वो जल्दी से आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे पूरे दिन की जो भी रूटीन थी आज ज़्यादातर मैंने अपने दिन भर के काम जो है ना वो निपटाए थे, बच्चों फ्राइडे था तो बच्चों के मैंने यूनिफॉर्म धोने थे, वो धो कर मैंने रख लिए, मशीन मैंने रात को लगाई थी लेकिन रात जो था ना वो पानी चला गया था तो फिर वो काम मैंने वहीं छोड़ दिया, तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने मशीन लगा कर मशीन का काम समेटा, फिर वाशरूम वगैरह साफ़ किए, उसके सारे छोटे छोटे क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और उसके बाद खाना वगैरह बर्तन वगैरह घर के धोए, तो सारे दिन की मेरी यही रूटीन थी। तो इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, इंशाल्लाह इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बरवक़्त मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।